Yo, what's happening guys? My name is Logie और आज हम एक बारी फिर से फैन फेवरेट गेम के अंदर आ चुके हैं। तो एक बारी फिर से आज हम यहाँ पर खेलने वाले हैं ड्वेन जॉनसन के चैलेंजेस। तो आ जाओ चपाती भाई, नीचे आ जाओ। हेलो, तो गाइस आज हम जेम्स, क्या नाम इसका तेरी भाई? ड्वेन जॉनसन भाई, ड्वेन जॉनसन इसका नाम है। आज हम चच्चू के एकदम से बनियान उतार देंगे। लेट्स गो भाई। तो गाइस बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि इसका नेक्स्ट पार्ट बनाओ, तो आई बिलीव कुछ गेम्स हैं जो हमने खेले नहीं है और ये अपना ड्वेन जॉनसन के चैलेंजेस का फाइनल पार्ट होगा भाई। तो लेट्स गो यार। और नो भाई, मैं तो पहले चैलेंज के अंदर ऑलमोस्ट मरने वाला हूँ। और ओके, मैं बच गया। मुझे लगा कि सबसे ज्यादा विंस मेरे पास है, लेकिन मुझसे आगे सिर्फ एक ही और बंदा है। ये कौन सी गेम है? चूज एन आंसर। अभी यहाँ पर वुड यू रादर आ चुका है। बेस्ट चॉइस ऑफ गेम्स टू एंजॉय प्लेइंग विद फ्रेंड्स इज बोर्ड गेम्स या कार्ड गेम्स। भाई मुझे बोर्ड गेम्स बहुत ज्यादा पसंद है, तो हम चूज करेंगे बोर्ड गेम्स। मैं भी बोर्ड गेम की प्रांजी का हूं। अभी यहाँ पर 1v1 आ चुका है, लेकिन भाई उस साइड पर तो कोई है ही नहीं। मार इसके मार। अबे भाई कोई भी नहीं है उधर जिसके साथ हम लड़ सकें। और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन अभी तक आया ही नहीं है। और आई थिंक एक ही क्वेश्चन था। चपाती भाई टीम चेंज कर लो, रेड वाली टीम के अंदर जाओ। मैं तुम सब के ऊपर भारी पड़ जाऊंगा। रहने दो भाई, हम सब एक ही टीम में हैं। ओके, स्वीट विक्ट्री, लेट्स गो। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर जीत गए। यार ये तो बहुत ज्यादा मजेदार गेम थी। तो मैं सोच रहा हूँ कि जैसे हमने लास्ट टाइम वो खतरनाक न्यूक खरीद के रखा था ना, ये कौन सी गेम आ चुकी है? वर्ल्ड सुनामी। काम करते हैं भाई, सुनामी को एस्केप करते करते मैं आप सबको अपना प्लान बताता हूँ। तो मेरा प्लान बहुत ज्यादा सिंपल है। लास्ट टाइम मैंने यहाँ पर पावर खरीद के रखी थी न्यूक वाली, अब की बारी मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना थोड़ी सी अनोखी पावर यहाँ पर ली जाए जो कोई भी नहीं सोचता। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं अपने लिए यहाँ पर ले लूँ 10 times पुश। चपाती भाई क्या सोचते हो भाई? अब मान लो इस गेम के अंदर इमेजिन मैंने सबको यहाँ पर धक्का दे दिया, ये तो तू जीत जाएगा कि लिटरली अल्टीमेट प्लेयर मैं बन जाऊंगा। तो एक काम करते हैं, यही सीधा खरीद लेते हैं। और अभी यहाँ पर आज मैंने खरीद लिया क्या? तूने खरीद लिया यहाँ पर? मेरे को पुश मत करिए। Okay, अभी मेरे पास आ चुका है। और मुझे याद है कि लास्ट टाइम ये वाली गेम हमें खेलने को नहीं मिली थी। वैसे सही है क्योंकि हम फ्री में जीत गए थे। तो एक बार मेरे को पुश करिए, एक बार मेरे को टेस्ट करना आ जाए। मेरे पास हमारे पास अभी हमें 10 times विन आ चुकी है। क्या भाई चपाती भाई, किसको ट्रोल कर रहे हो भाई? मैं अपना पुश ऐसे वेस्ट नहीं करूंगा। अरे करना, मेरे को देखना है। ठीक है, करता हूं। ये लो, मैंने तो सीधा बैठा दिया भाई। ड्वेन जॉनसन के टोट के, ओ मेरी बारी आ चुकी है। वो चपाती भाई, अभी आपको सही बटन चूज करना है। मुझे लगता है ग्रीन वाला सही होगा। यार वाला प्लीज मारी मत, मेरे को मारी मत प्लीज, मारी मत। सही हो क्या? और वो अरे अभी मेरी बारी यहाँ पर आ चुकी है। नो। ओके, पिंक वाला आई थिंक पिंक वाला सही। अरे मैं मर गया, मैंने खुद को ऊपर से पुश कर लिया। कोई बात नहीं भाई, ये तो सिर्फ पहली गेम थी यहाँ पे। वैसे पहली नहीं, दूसरी गेम थी। और लेट्स गो, अभी हम यहाँ पर फिर से मेन आइलैंड के ऊपर आ चुके हैं। और क्या मैं ड्वेन जॉनसन को पुश कर सकता? अच्छा नहीं कर सकता। ये क्या है? ये क्या लिखा है? क्लाइम टू द टॉप। आई थिंक ये वाली गेम हमने नहीं खेली अभी तक। आई थिंक हमने ये गेम खेली है, लेकिन तू पता क्या करियो, ऊपर जाकर लोगों को पुश कर दियो। भाई मैं यही सोच रहा था, लावा के अंदर जो पहले पहुंचा सीधा मैंने उसको वहीं से ही पुश कर देना। और अच्छा नीचे से लावा आ रही है, पता ही नहीं है। लावा के अंदर गिर गया, पुश कर इस बंदी की वजह से लावा के अंदर गिर गया। ये भी ले रहा है ये मैं। क्या तूने पुश वेस्ट कर दिया यार? मेरे को लगा था कि तू इसको लावा के अंदर पुश कर देगा। मुझे भी वही लगा। इसका मतलब ये कि आई थिंक मेरे 50 रोबक्स यहाँ पर वेस्ट हो गए। मैं लेकिन चलो कोई बात नहीं, गाइस अभी वो बंदा क्या बोल रहा था, इट्स अबाउट ड्राइव, इट्स अबाउट पावर। ओके लेट्स गो, अभी आ चुके मैथमेटिक्स। 2 is 4, 9 + 9 = 18। भाई ये तो एकदम से सिंपल वाली मैथ्स है भाई। मुझे याद है लास्ट टाइम मैं यहाँ पर हार रही यार, फिर भी हार गया। मैंने 3 times 2 गलत कर लिया। 3 times 2 = 6, 6 + 4 = 9 चला गया। तभी कहता हूँ कि अपने पहाड़े जो है मैच के भूलते नहीं है। रहने दो भाई, रहने दो, ऊपर से पुश करूं क्या? ओके अभी कौन सी गेम आने वाली है? लेट्स गो, अब की बारी यार मुझे कोई नई वाली गेम चाहिए, एकदम से नई वाली जो हमने अभी तक नहीं खेली है। और ये क्या लिखा है? रन फॉर द लॉ। फिर से यहाँ पर पुलिस आए, क्या मैं पुलिस को पुश कर सकता हूँ क्या? कर, ट्राई कर, ट्राई कर, ट्राई करके देखते हैं। ये लिए तेरी भाई साहब, यार उसने मुझे ही मार दिया भाई, उसने डंडे के साथ मुझे ही मार लिया। तूने कानून को पुश करने की है वो भाई, क्या मैं समझ नहीं पा रहा मैं क्या बोलने चाहता हूँ। ये एकदम से सही जगह भाई, मैं यहाँ पे छुप जाता हूँ। ये देखो सारे पड़े हुए हैं, मैं लिटरली इनविजिबल हो चुका हूँ इस अंडे के अंदर छुप के। और लेट्स गो, एक बार फिर से हम ये गेम जीत चुके हैं। हाइड एंड सीक खेल रहा है वो भी पुलिस के साथ। और ये हम कहां आ रहे हैं यार? नॉट द न्यू क्वाली गेम यार, ये न्यू क्वाली गेम मुझे बिल्कुल पसंद है ही नहीं। अरे यार मैंने अपने आप को न्यू के ऊपर मार दिया। नाइस है भाई। ओ आंटी को पुश कर दे नीचे। एक मिनट भाई, अगर मैं किसी को यहां पे पुश कर लूं, कम ऑन ये ले,
तूने मरवा दिया आंटी को यार, मुझे लगा कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं यार, ये पुश वाली पावर तो वाकई ओपी है, अगर आप सही टाइम पे यूज करोगे तो बड़ी इफेक्टिव पावर है ये। बच गया, अभी तेरे को मिसाइल तरह पापड़ बना देती यहाँ पर। आंटी को ऐसे कुछ नहीं हो रहा है भाई, ये तो ऐसे यहाँ पर खड़ी हुई है। और बच गई यार, लास्ट सेकंड में वो वहां से उठ गई और सिर्फ एक ही सेकंड बाकी इस गेम, दोनों मर गए। इसे कहते हैं आखिरी सेकंड में दोनों मर गए। अभी आती है ब्रेक द ग्लास। अरे लॉक, ये तेरे मतलब की गेम है भाई, मैं तो ऊपर से ही मर गया आते ही। लेट्स गो, अरे मैं फिर से आ गया, मैं फिर से आ गया। यहाँ पर लिटरली बंदे पुश कर सकते, लेट्स गो, जो नहीं जाएगा तो पुश कर उसको। आइडिया है, चल आगे जा। कितना जालिम बंदा है भाई, लेकिन उसको पड़ी नहीं यार। मुझे लगा कि हम यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म अनलॉक कर लेंगे। पुश कर। अरे भाई हमारे पुश ऑलमोस्ट खत्म होने वाले। अरे लेट्स गो, उसने खुद से सैक्रिफाइस कर लिया। अबे कर पुश कर, आगे। हाँ ये तो, अरे यार तूने मिस कर दिया। एक मिनट, मैं गैस करता हूँ। लेट्स गो, मैंने सही गैस किया। ओके अभी तीन बचे हैं तो मेरे को आगे जाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन अगर मैं जाऊँ तो नाइस चपाती भाई, कम ऑन, सिर्फ दो यहाँ पर बाकी हैं। अंदर लोग मेरे पीछे अच्छे। और अब यहाँ पर फाइनल वाला आ चुका है यार, कौन सा सही होगा। आंटी को पुश कर दे। ये कैसे, वे व्हाट, ये कैसे जंप करके आगे चला गया। चलो भाई मैं गैस करके ही आगे चला। ले तेरी गैस निकाल दी उसने, तू हार गया। तेरे को मैंने बोल कर रखा था कि आंटी को पुश कर दो, लेकिन तूने पुश नहीं किया मैन। चलो कोई बात नहीं भाई, ये तीन पुशेस मैं बाद में यूज करूंगा। ओ भाई साहब, ये कौन सी गेम आ गई हो। यहाँ पर लिखा है रन फ्रॉम द रॉक। ओके अभी एक बार फिर से द रॉक 10 साल बाद यहाँ पर भाई रिंग के अंदर फिर से घुस आया है और आते ही मेरे पीछे आ चुका है यार। चौकसला मार लॉगी के ऊपर द रॉक। रॉक का मूव क्या था भाई, मुझे तो रॉक का मूव भी यहाँ पर पता नहीं है, सिग्नेचर मूव WWE वाला खुद भूल गया। अभी अगर मैं यहाँ पर किसी को पुश करके देखूं, जिस बंदे के पीछे रॉक पड़ा हुआ है उसको पुश कर दे। ये सही आइडिया। ये ले, तेरी बच गई, तेरे पीछे आ गया वो। चपाती बजा रहा है, इसको गुमराह करना भाई। गुमराह पहले गुमराह वो, देखो। लेट्स गो, हम यहाँ पर जीत गए। इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड चैंपियन अभी यहाँ पर टायर्ड हो चुका है। ओके अभी तेरे पास अब क्या, अरे खतरनाक हार दे लॉक, ऊपर जाकर सब कुछ और जैसे ही फाइनल सेकंड आया तभी मुझे जाना है ऊपर। भाई आंटी जी तो मुझे ऐसे ही मार रही हैं। ये देखो चपाती भाई कैसे जा रहे हैं। अरे मैं बच चुका किंग ऑफ द हिल। मैं बना था किंग ऑफ द हिल, बना था। तू कब बना किंग ऑफ द हिल भाई, मारते कैसे हैं भाई, मुझे तो पता भी नहीं है। अच्छा क्लिक करना होता है। अरे भाई साहब ने क्या उड़ाया उसको, ये बंदा आ रहा मार इसके। कम ऑन, अरे यार मैं क्यों नहीं बन पाया भाई, यहाँ पर किंग ऑफ द हिल में कितने टाइम से वहां पर खड़ा था। हम दो बंदे फिर भी किसी को नहीं मार पा रहे। लेट्स गो, कम ऑन। ओ भाई साहब, यार मैं एक सेकंड के लिए बन गया था किंग ऑफ द हिल, लेकिन चलो कोई बात नहीं। ओके अगली गेम यहाँ पर आ चुकी है, गेट द मोस्ट टारगेट। अच्छा पेंटबॉल खेल रहे हैं यहाँ पे हम, कॉल ऑफ ड्यूटी चल रही है। कम ऑन भाई, हम यहाँ पर रोब्लॉक्स ऑफ ड्यूटी खेल रहे हैं भाई, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे। और बिल्कुल मेरे सामने यहाँ पर चपाती भाई जा रहे हैं। मेरे पीछे क्यों पड़ा तू भाई, हेलो। अरे ये देखो भाई, आंटी जी टावर में कैंपिंग कर रही है भाई, हम यहाँ पर कैंपिंग नहीं करेंगे, हम सबको यहाँ पर पुश करेंगे। तो पट से बढ़ेगा हेडशॉट, पट से। मुझे तो पता भी नहीं है कि मैंने कितने टारगेट यहाँ पर पकड़ लिए और कौन सा बंदा बच चुका है, किसके सबसे कम टारगेट है, लेकिन मैं अभी खेल रहा हूं। तूने मेरे को मार दिया। अरे सॉरी चपाती भाई, भाई जो मेरे सामने आ रहा है मैं उसी को मार रहा हूँ यहाँ पे। मैं पता राइट बटन दबा के एम कर रहा हूँ, उससे एम भी नहीं होता। लगता है आपने बहुत ज्यादा BGMI यहाँ पर खेल लिया चपाती भाई। कसम से, और पता है शिफ्ट दबा के भागने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं भूल चुका हूँ कि यहाँ पर भागता भी नहीं है। मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ भाई। और लेट्स गो, यू विन। तूने हार चुका, तो तेरे को कितने कॉइंस मिले भाई। मुझे 60 कॉइंस मिले, मुझे हर एक गेम से 60 कॉइंस मिलते हैं। अरे यार ये तो वही वाली गेम है। वो बंदा क्या बोल रहा है, स्किबिडी डॉप। यस पक्का स्किबिडी डिबिडी का फैन होगा। कम ऑन आपको याद है ना भाई, ये वाली गेम आपको याद है ना भाई, चलती जब गाड़ी से उतर गए थे। अरे और फिर पीछे वाली बोट के अंदर बैठ गए आप। मेरे को याद है लास्ट वाली वीडियो के अंदर ऐसा ही हुआ था। लेट्स गो भाई, फिलहाल तो नंबर 1 पे अपन है भाई, बहुत ज्यादा स्पीड में मैं यहां पर जा रहा हूं। अबे नंबर 1 पे मैं हूं अपनी स्क्रीन पे। अरे भाई मैं अपनी स्क्रीन पे नंबर 1 हूं। और लेट्स गो, मैं पहुंच गया फिर भी। व्हाट, मैं अपनी स्क्रीन पे मैं नंबर 1 था और तेरे तू अपनी स्क्रीन पे तू नंबर 1 है। अभी मुझे बटन मिला पुश द रॉक, लेकिन चला गया। वो ये क्या है भाई यहां पर, डोंट लेट देम डिस्ट्रॉय द न्यूक। ओके मैं खुद ही डिस्ट्रॉय करता हूं। ले तेरी भाई, आई थिंक मैंने यहां पर न्यूक डिस्ट्रॉय कर लिया। तेरी जॉब थी कि उनको रोकना था, तूने खुद ही फोड़ दिया उसको। मेरे पहले स्विंग पे न्यूक को लग गया भाई। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना, मेरे पास यहाँ पर 3000 कॉइंस तो आ चुके हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पर क्या खरीदूं। चपाती भाई क्या खरीदना चाहिए भाई, ग्रेविटी कॉइल मुझे मस्त लग रहा है। स्पीड वाला पोशन भी है, देख स्पीड पर, स्पीड वाला। ये चलो एक काम करते, चलो भाई स्पीड यहाँ पर खरीद लेते हैं। और ग्रेविटी कॉइल, ये कौन सी गेम है भाई, ये तो हमने खेली भी नहीं है। लेकिन भाई मैं कितनी स्पीड में यहाँ पर
पहुंच गया। ब्रो मेरी जंप देख, फुटैक। तेरी मैं मर गया। हां कौन सी जंप देखते हैं भाई, चपाती भाई, और ऊंची जंप मारो। अरे मर गया यार, अरे मेरी जंप डबल से भी ट्रिपल से भी क्वाड्रुपल हो चुकी है, तेरे को पता है। ओ भाई साहब ये कौन सी गेम यहां पर आ चुकी है, अब की बारी आ चुकी है सर्वाइव द बैक रूम्स। अब तेरे को पता है यहां पर मॉन्स्टर होता है भाई। तो भाई लकली मैंने यहां पर स्पीड तो खरीद ली, ओ ये मॉन्स्टर को भी आउट रन कर सकते हैं। कम ऑन निकलना मेरे को यहां से, तेरे को एस्केप करना होता है बैक रूम। भागने का रास्ता ढूंढना है भाई, मेरी टैक्टिक बहुत ज्यादा सिंपल है, मुझे सिर्फ इन कॉइंस को यहां पर फॉलो करना है। अबे ऐसे नहीं होता बैक रूम में भाई, ये बहुत बड़ा खतरनाक लेवल का भूल भुलैया भाई। अच्छा। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अरे हम देखेंगे भाई, मुझे सिर्फ यहाँ पर कॉइंस को फॉलो करना है। ये देखो एक कॉइन इस तरफ जा रहा है, थोड़े से कॉइंस यहाँ भी जा रहे हैं और मुझे यहाँ पर दरवाजा मिल गया। खोलियो खोलियो लिफ्ट खोलियो। यही है क्या? अबे नहीं है, वो नहीं है, तेरे को निकलना यहाँ से। अच्छा, ट्रोल है भाई, ट्रोल वाला दरवाजा है यहाँ पे कहीं, आई थिंक वहाँ से मॉन्स्टर निकलेगा। वो तो इतनी स्पीड में जा रहा है ना, मेरे को लगता है तू मॉन्स्टर के अंदर ही घुस जाएगा। इधर जाना है क्या? इस तरफ जाना। यहाँ पर दो दो रास्ते, अच्छा सेम रास्ता है यहाँ पे। ओके यहाँ पर रूम तो थोड़ा सा और यहाँ पर खुल चुका है, और यहाँ पर मॉन्स्टर कौन है? ये ड्वेन जॉनसन। ये कैसा मॉन्स्टर है भाई? इसे कहते सस्ता ड्वेन जॉनसन भाई। भाई किधर है भाई बाहर निकलने का रास्ता? यार मैं चाहता हूँ कि ड्वेन जॉनसन खुद ये गेम खेले यार। ओ ये इमेजिन अगर ऐसा हो गया। अगली गेम यहाँ पर आ चुकी है, दी फ्लोर इज लावा। तो आई थिंक गेम का फंडा बहुत ज्यादा सिंपल है, हमें सिर्फ ऊंची जगह के अंदर खड़ा होना है। चपाती भाई, भाई बहुत ज्यादा लकी हो चुके हो भाई, वो बाउंस वाली पावर से। मैं तो छत पे चढ़ गया, मैं नीचे गिर गया भाई, मैं लावा के अंदर गिर गया। चलो कोई बात नहीं, सामने खड़ा हुआ, मैं यहाँ से स्पेक्टेट करता हूँ। कम ऑन चपाती भाई, फिलहाल आप बहुत ज्यादा बढ़िया कर रहे हो, लेकिन आपके साथ कंपटीशन भी है। ये देखो हार के जीतने वाले को ही चपाती बोलते हैं। रहने वाले रहने दो भाई, कम ऑन। अब की बार ये ड्वेन जॉनसन कौन सा चैलेंज हमें देने वाला है? अरे भाई ये तो फिर से हम, ये भाई ये गेम ओतरी। आई थिंक अपने ड्वेन जॉनसन के सारे चैलेंजेस जो हैं कंप्लीट कर लिए, और ये पूरा एक्सप्लोजन हुआ मेरे सामने। एक काम करते हैं, खत्म करने से पहले ना एक बारी और रुकते हैं 20 सेकंड। तेरे पास पावर तो आ चुके हैं ना, वैसे भी इस पावर के साथ तू जितने मर्जी चैलेंजेस कर ले, तेरे को 2 सेकंड लगने वाले हैं। सही बात है भाई, सही बात है, चलो वेट करते हैं। और मैं फट गया, और अभी गेम स्टार्ट करने के लिए गाइस मुझे इसको गुस्सा दिलाना पड़ेगा। फट से गोडे के ऊपर लात मारता हूं मैं, गोडे के ऊपर। ये फिर नुबड़ी वाली गेम यहां पर आ चुकी है, और आई थिंक हमने यहां पर सारे ड्वेन जॉनसन के चैलेंजेस कंप्लीट कर लिए। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चलें, टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।